अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों पिछला बार मैंने बताया था हिजाब के बारे में, तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया, बस यही बोला कि हाँ भाई आप अच्छे दीन की बात करते हो, दीन के बारे में तो क्यों ना करो। भाई मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर भारत में 25 करोड़ मुस्लिम है या 30 करोड़ है, 40 करोड़ है भारत में, तो मैं उस भारत में समझ के चलो कि 30 करोड़ मुस्लिम में मैं 5 को ही मुसलमान मानता हूँ, 5 करोड़ को ही, 5 करोड़ को मुसलमान मानता हूँ मैं, और मेरा कुरान भी 5 करोड़ को मुसलमान मानता है। और दूसरी बात रह गया था, मैंने हिजाब के बारे में बताया था। देखो दोस्तों ये बात भले आपको बुरा लगे, आप मोमिन हो या कोई भी, मेरे पास 100 और 200 और 300 300 का प्रूफ है, 300 हिजाब हुई लड़कियों का जो हिजाब पहनती है ना, हिजाब पहन के हिजाब को बदनाम कर रही है, अपने माँ बाप को तो कर ही रही है साथ में हिजाब का, ऐसे 300 प्रूफ है मेरे पास 300 लड़कियों का। तो सोचो पूरे हिंदुस्तान में कितने होंगे ऐसे मुसलमान, पूरी दुनिया में कैसे है ये कितने होंगे। देखो भाई कोई नॉन मुस्लिम क्या कुछ भी हमको आपको देख के उस डायरेक्ट इस्लाम के बारे में गलत सोच लेता है, मगर उसको क्या पता है, उनको बताना है कि भाई देखो इस्लाम एक दीन है और जो उसको फॉलो करते हैं उस दीन पे ईमान लाते हैं उनको मोमिन या मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता है, मगर इस्लाम में और मुसलमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं भी अगर नाम रख दिया मुसलमान का, मुसलमान घर में पैदा हो गया तब मैं भी मुसलमान नहीं हूँ अगर जब तक कुरान हदीस के सही रास्ते पर ना चलूँ। तो यार बहुत बुरा समय आ रहा है, बहुत बुरा हालात हो रहा है समाज में। मैं तो कह ही दिया कि मेरे भांजे लोग हैं, मेरे भांजे और मेरे ख़ानदान का या मेरे रिश्तेदारी में जो जिन पे मेरी अख्तियार है थोड़ा, उनकी शादी ब्याह का जब भी मसला होगा तो ये बात 100% याद रखना, दहेज तो एक रुपया नहीं लेंगे, मगर हाँ लड़की का 7 नस्ल पता करके ही हम शादी ब्याह करेंगे उन घरों में, अपने भांजे हो चाहे जो भी मेरे रिश्तेदार हो जिन पे मेरे अख्तियार चलता है, जिनके मैं बोलूँ कि हाँ यहाँ शादी हो तो हो, नहीं हो तो। तो भाई हिजाब आप पे मत पहनो, अगर हिजाब का सही से मर्तबा ना समझो, और हिजाब को जब भी चौराहे पे सड़कों पे नीलामी करना है हिजाब के आबरू का असमत का, तो हिजाब पहनने से क्या फ़ायदा है। हिजाब दिखावे का नहीं होता है कि हम दिखावे के लिए पहन लिए, कई बार बोल रहा हूँ कोई नॉन मुस्लिम हिजाब पहन के हिजाब बदनाम नहीं कर रहा है, जितने हिजाब पहनी हुई पार्कों पे, रोड पे, होटलों से जो वीडियो या न्यूज़ जो वायरल हो रहा है, चाहे जो हो रहा है ये समाज में, कोई नॉन मुस्लिम नहीं पहनता है, ये आपकी वहम है, कुछ ना समझ जो मोमिन है बात को घुमाने के लिए है ना, घुमाने के लिए बोल देता है कि अरे नॉन मुस्लिम ही हिजाब पहना। भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी नॉन मुस्लिम को हिजाब पहनते हुए, है ना, जब भी मैंने देखा बताया कि नहीं 300 लड़कियों को पर्सनली तौर पे जानता हूँ जो हिजाब पहनती है, जिनके पास कोई ईमान ही नहीं है, तकवा नहीं है, बाकी आप खुद समझ जाओ कि वो कौन सी बुराई नहीं करती, तो क्या फ़ायदा हिजाब पहनने का। देखो मेरे हिसाब से मैं जो भाषण दूँ, टिकटॉक वीडियो बनाऊँ, एक कुरान कही थी लेकर बना लिया था, आप लोगों ने बोला था भाई वीडियो बनाओ मगर कुरान को हाथ में लेकर मत बनाओ, तो मैं कुरान पे हाथ में लेकर कोई बुरा गाना पर नहीं बनाता, सिर्फ कुरान का स्टैंड कराना चाहता था दुनिया के सामने कि मैं कुरान को मानता हूँ, है ना। अब टोपी लगा के दाढ़ी रख के खूब बढ़िया अब भी सड़क पर नाचूँ तो भाई टोपी का और दाढ़ी का इंसल्ट होगा, है ना, बेइज्जती होगी। वैसे ही हिजाब का आपका पर्सनल लाइफ है, आपकी माँ बहनें हैं उनकी पर्सनल लाइफ है, आपके अधिकार है, आपको जो मर्जी वो करो, मगर हाँ आपका ये अधिकार नहीं है कि मेरे दीन का जो लिबास है, जनती लिबास जो है, मेरे बीवी फातिमा रज़िया अल्लाह अन्हा का जो शान है हिजाब, उसको पहन के आपकी माँ बहन उसकी असमत का बीच सड़क पे पार्क में होटलों में उसकी असमत नीलाम करे, ये आपके अधिकार नहीं है। भले आपकी बहन का जो अधिकार है जो करे, आपका अपने माँ बाप के बहनों के प्रति क्या अथी है आप जानो, वो आपके अधिकार है, गवर्नमेंट का भी और लॉ का भी अधिकार है, जो इच्छा करो, मगर हाँ हिजाब मेरे इस्लाम की शान है। और मैं पहले ही बोल दिया कि मैं मुस्लिम को नहीं मानता हूँ मगर मैं अपना इस्लाम का बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस्लाम मुस्लिम बुरे हो सकते हैं मगर मेरे इस्लाम के एक वर्ड्स भी बुरा नहीं है। चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया को, मैं ही मेरे सामने जो मेरे आसपास लोग रहते हैं आके सवाल करें मैं जवाब दूंगा कि मेरे इस्लाम में इतनी भी गलती नहीं, एक वर्ड का भी नहीं है, है ना, मुस्लिम में बहुत कमियां हैं वो मैं मान सकता हूं।